सितंबर से अनलॉक 4 की अवधि समाप्त हो जाएगी। आज या कल में सरकार अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि इसके बाद से बंदी औपचारिकता मात्र बचेगी, यानी अनलॉक 5 में स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल खोलने को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। अनलॉक 4 में सरकार ने मेट्रो सेवाएं शुरू करने के साथ ही स्वैच्छिक आधार पर 9वीं से 12वीं के स्कूल भी खोल दिए थे। अक्टूबर में त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है, इसको देखते हुए अनलॉक 5 में और ज्यादा ढील दी जा सकती है। त्योहारी सीजन होने के कारण धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ कम लोगों को ही जाने की अनुमति है। अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति पर सबकी नजर है। इससे पहले 21 सितंबर से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। शनिवार को पश्चिम बंगाल ने 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार पूरे देश के थिएटर्स को सावधानी के साथ ओपन करने की इजाजत दे सकती है। महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन ने पर्यटन क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में अनलॉक 5 में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा सकते हैं। इसके लिए होटल में रुकने के नियमों में ढील और यात्रा से जुड़े प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटकों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी समाप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने भी जोर देकर कहा था कि कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन ऐसे किया जाए कि कोविड-19 का प्रसार रुके। उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों में समस्या नहीं आनी चाहिए। अनलॉक 4 में 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की छूट थी। हालांकि कुछ ही राज्यों ने स्कूल खोले हैं। प्राइमरी क्लास के स्कूल फिलहाल बंद ही रखने की संभावना है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल ऑनलाइन तरीके से सारी कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 60 लाख से कुछ ज्यादा ही हो गई है। इसमें 24 घंटे में 94,000 नए केस सामने आए हैं, जो कि बीते 7 दिनों में सबसे ज्यादा है। वहीं इस वायरस से अब तक तकरीबन 50 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।